हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस सब्जेक्ट एंड चैप्टर नंबर इज 3 फाइबर टू फैब्रिक क्या है आपने जो मैंने पहले ये वीडियो आपको दी है। पार्ट 2 पर हम आते हैं। यहाँ पर बताया है कपड़े के लिए क्या है, फाइबर बताया है लेसन के कैसे बनते हैं कपड़े। तो यहाँ सिल्क और किसका है, ऊल का बताया गया है। यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन बताया गया है, फाइबर टू फैब्रिक जो मैंने आपको पार्ट 1 दिया है इसका। अब नाउ वी कम ऑन पार्ट नंबर 2 पर आते हैं हम। यर क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। जो हम सेकेंड पार्ट्स का स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर, वो है क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। हमें क्या है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। जो स्टेटमेंट्स राइट है उनके लिए ट्रू और जो रॉन्ग है उसके लिए फॉल्स लिखना है। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। 1 नंबर है, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दिस स्टेटमेंट इज राइट, वी राइट हियर ट्रू। 2 नंबर, वूल इज अ स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ हीट, इससे ज्यादा गर्मी पकड़ती है, तो ये है फॉल्स है। वूल इज अ स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ हीट, फॉल्स। 3 नंबर, वूल इज अ सिंथेटिक फाइबर, वूल सिंथेटिक नहीं है, वूल इज अ सिंथेटिक क्या है, फाइबर लिखा हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी राइट हियर फॉल्स, ये सिंथेटिक क्या है, फाइबर नहीं है वूल, यहाँ लिखा है वूल इज अ सिंथेटिक फाइबर। नंबर 4, वूल एंड सिल्क आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। वूल और जो सिल्क है दोनों किससे बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट हियर ट्रू। तो वूल एंड सिल्क आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ट्रू। 5 नंबर, अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, जो क्रिया होती है हासिल करने के सिल्क बनाने की, सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून इज कॉल्ड, ये है सिल्वी कल्चर। क्या है, यहाँ रॉन्ग है ये प्रोसेस, तो यहाँ लिखा हुआ है अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून इज कॉल्ड सिल्वी कल्चर, फॉल्स। 6 नंबर है, सिल्क मॉथ इज द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर सिल्क वॉर्म। सिल्क मॉथ इज द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर सिल्क वॉर्म, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी राइट हियर फॉल्स। 7 नंबर, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो है सेरिकल्चर जो है इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट हियर ट्रू। नंबर 8, लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ, लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर। तो लार्वा जो है सिल्क मॉथ का वो क्या कहलाता है, उसे कैटरपिलर भी कहते हैं। लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर, दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट हियर ट्रू। नंबर 9, द फूड ऑफ सिल्क वर्म इज जनरली लीव्स ऑफ मलबेरी ट्री, तो ये है ट्रू है, क्योंकि जो सिल्क वर्म का जो है उसका खुराक कहाँ मिलता है, हम जनरली लीव्स जो होते हैं मलबेरी के पत्ते, जो ट्री होता है शहतूत का, उसके जो पत्ते हैं वो इसका खुराक होता है सिल्क वर्म का। तो नंबर 9, द फूड ऑफ सिल्क वर्म इज जनरली लीव्स ऑफ मलबेरी ट्री, दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट हियर ट्रू। नंबर 10, कोकून ऑफ सिल्क मॉथ इज वेरी ग्लटनस, तो नंबर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये रॉन्ग है, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। क्वेश्चन 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस।
वन सेंटेंस में हमें आंसर लिखना है. नंबर वन, फ्रॉम विच एनिमल इज उल ऑब्टेंड. फ्रॉम द फ्लिश, जो हेयर होते हैं फ्लिश इन इंडिया. फ्रॉम विच एनिमल इज उल ऑब्टेंड, उल किससे पाए जाते हैं, उसके जो बाल होते हैं. फ्रॉम द फ्लिश इन इंडिया, उसके बाल में से जो उल बनता है हम किससे हासिल करते हैं. फ्रॉम विच एनिमल इज उल ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लिश इन इंडिया. राइट द आंसर, इन इंडिया उल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लिश ऑफ शीप, गोट, याक एंड कैमल. इन इंडिया उल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लिश ऑफ शीप, जो शीप के बालों में से, गोट के बाल में से, याक और कैमल जो होते हैं उनमें से पाया जाता है. इन इंडिया उल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लिश ऑफ शीप, गोट, याक एंड कैमल. टू नंबर, यूजुअली इन विच सीजन आर द हेयर ऑफ शीप रिमूव्ड. यूजुअली इन विच सीजन, जो कौन सी सीजन होती है जिसमें उसके बाल निकाले जाते हैं, रिमूव करे जाते हैं, अलग किए जाते हैं, उसकी बॉडी पर से काट निकाले जाते हैं. तो यूजुअली इन विच सीजन, आप देखते हैं हम कि भाई कौन सी सीजन जिसमें बहुत गर्म होता है, गर्मी होती है ना, तो गर्मी होती है और जो ऊल होता है गर्म होता है, तो उसके बालों को कब हम रिमूव करेंगे. तो यूजुअली द हेयर ऑफ शीप आर रिमूव्ड, कब रिमूव किया जाता है, इन समर, जब हॉट वेदर होता है, हवामान बहुत गर्म होता है, तो समर जो सीजन होती है उसमें यूजुअली देखिए उसके बाल ज्यादा कटक, जो शीप का रेयरिंग करते हैं, जो पालते हैं वो शीप के बाल कटवाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत गर्मी होती है और बाल भी होते हैं जो उनके हेयर होते हैं बहुत गर्म होते हैं, तो उन ज्यादा गर्मी लगती है. यूजुअली तो द हेयर ऑफ शीप आर रिमूव्ड इन समर, जो हॉट वेदर होता है समर सीजन, उसमें इनके बाल रिमूव किए जाते हैं. थ्री नंबर में है, मेंशन करना है हमें द थ्री नेम्स ऑफ इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप, शिप की तीन नस्लें बतानी है हमें, उनके नेम लिखना, मेंशन करना है. द थ्री नेम्स ऑफ इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप, जो शिप की नस्लें हैं उन्हें मेंशन, तीन नाम लिखने हैं हमें. तो मेंशन द थ्री नेम्स ऑफ इंडियन, जो इंडियन पाए जाते हैं ब्रीड्स ऑफ शिप, जो शिप की नस्लें होती है उसमें से कौन सी, हमें तीन के नेम लिखना है. आंसर, इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, जो इंडियन, जो इंडियन जो नस्लें होती हैं शीप की वो कौन सी है, आर लोही, भाकरवल एंड क्या है, पाटनवड़ी. पाटनवड़ी वाड़ी जो है, ये तीन नस्लें पाई जाती हैं शीप की इंडिया में. तो इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप आर लोही, भाकरवल एंड पाटनवड़ी. वन नंबर, वॉट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग, सिलेक्टिव जो कौन सी नस्लें होती हैं, वॉट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. आंसर, द प्रोसेस, जो क्रिया होती है सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. वॉट इज सिलेक्टिव ब्रीडिंग, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग इज टर्म्ड एज सिलेक्टिव ब्रीडिंग. नंबर फाइव, मेंशन द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री, हमें लिखना है यहाँ स्टेज बताने का है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मौत, जो सिल्क ऑफ मौत की जो हिस्ट्री है, लाइफ हिस्ट्री हमें बताना है, मेंशन करना है इसके कितने स्टेजेस है. द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मौत, राइट द आंसर, द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क, हमें क्या है स्टेज बता रहे हैं यहाँ पर, आपको देखना है जो सिल्क मौत है उसके कितने स्टेजेस है. द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मौत इज, नंबर वन, वो एक अंडे देता है. टू नंबर में है लार्वा, जो कैटरपिलर कहते हैं, लार्वा कैटरपिलर, उसमें से प्यूपा बनता है, प्यूपा में पूरा हो जाता है,
पीपा तोड़ के वो जो बाहर आता है वो सिल्क मॉथ कहलाता है। तो हाउ मेनी स्टेजेस? देर आर फोर स्टेजेस। नंबर वन इज एग, टू नंबर में है लार्वा या कैटरपिलर भी बोलते हैं हमसे, प्यूपा बनता है उसमें से बाहर आता है सिल्क मॉथ। तो स्टेजेस ऑफ लाइफ ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, एग है, लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा और नंबर सिल्क मॉथ। नाउ सिक्स नंबर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थिक हेयर? व्हाट क्या काम करता है जो जाड़े बाल होते हैं ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, सप्लाइंग करते हैं उल्कों देते उल देते हैं, तो व्हाट इज द फंक्शन क्या है ऑफ थिक हेयर ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स जो सप्लाइंग करते हैं उल को? आंसर है द फंक्शन ऑफ थिक हेयर ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स सप्लाइंग उल इज टू कीप द एनिमल्स वार्म, क्या रखते हैं वो एनिमल्स को गर्म रखते हैं, एंड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट कॉल, और उन्हें सर्दी से प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी हिफाजत करते हैं चमड़ी की। तो द फंक्शन ऑफ थिक जो हेयर होते हैं जो बाल उनके बॉडी पर होते हैं ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स सप्लाइंग करते हैं उल जो हमें उल देते हैं इज टू कीप, रखते हैं जो एनिमल्स को वार्म गर्म रखते हैं उनकी बॉडी को, एंड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट जो सर्दी होती है उससे उनकी बॉडी का क्या करते हैं उनकी बॉडी की हिफाजत करते हैं, तो वार्म एंड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट कोल्ड। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज शेयरिंग, क्या है जो उनके बाल काटते हैं वो क्या है? व्हाट इज शेयरिंग? आंसर, शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, जो रिमूवल करते हैं ऑफ द फ्लेश जो बाल होते हैं ऑफ द शीप अलोंग, अलग करते हैं विथ अ थिन लेयर, जो लेयर होती है थिन लेयर स्किन की होती है, लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम इट्स बॉडी, जो बॉडी से अलग करते हैं जो पतली लेयर होती है स्किन की जो बाल के थ्रू निकलती है, तो ये क्या कहलाती है? शेयरिंग। शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द फ्लेश, यानी जो बाल होते हैं ऑफ द शीप जो शीप के, अलोंग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम इट्स बॉडी से जो अलग करते हैं उसे क्या कहते हैं? शेयरिंग। जो शेयरिंग यानी जो बाल काटना होता है वो प्रोसीजर होती है तो उससे अलग करना होता है उसे कहते हैं शेयरिंग। नंबर एट, व्हाई शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप, जो शेयरिंग करते हैं जो बाल निकालते हैं उनके बॉडी पर से उससे उन्हें कोई नुकसान क्यों नहीं होता? तो व्हाई शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप, जो हम बाल निकालते हैं उसकी बॉडी पर से तो उनको कोई उससे नुकसान नहीं होता, उनके बॉडी पर कोई हर्ट नहीं होता, तो क्यों नहीं होता? तो शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप बिकॉज, क्योंकि फ्लीश एंड अपर मोस्ट लेयर, जो बाल होते हैं उसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है परत होती है ऑफ स्किन आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, डेड सेल से बनी हुई होती है इसलिए उसके ऊपर कोई उसका असर नहीं होता, मरे हुए जो सेल्स होते हैं उसके बनी हुई होती है चमड़ी जाड़ी होती है इसलिए क्या है उसको उस पर असर नहीं होता। तो शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप बिकॉज फ्लिश एंड अपर मोस्ट, जो ऊपर की लेयर होती है जो सतह होती है स्किन की, लेयर ऑफ स्किन आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। नंबर नाइन, व्हाट आर बर्स, यूर्स आर दी स्मॉल फ्लफी फाइबर्स पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर व्हाइल प्रोसेसिंग ऑफ उल। नंबर टेन, हाउ डज कैटरपिलर मेक सिल्क फाइबर, जो कैटरपिलर जो होता है प्यूपा वो कैसे बनाता है सिल्क फाइबर बनाता है? हाउ डज कैटरपिलर मेक सिल्क फाइबर? आंसर, ड्यूरिंग मूवमेंट्स ऑफ हेड, जो उसकी मूवमेंट्स होती है सिर की मूवमेंट से कैटरपिलर सिक्रेट करता है, क्या इसका स्त्राव करता है फाइबर का मेड अप प्रोटीन के साथ प्रोटीन से विच हार्डन्स, जो क्या होता है सख्त होता है ऑन
एक्सपोजर संसर्ग में आता है टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। वो क्या बन जाता है? सिल्क फाइबर बन जाता है। द ड्यूरिंग मूवमेंट्स ऑफ हेड कैटरपिलर सीक्रेट करता है, क्या करता है? सीक्रेट करता है फाइबर को, क्या इसका स्त्राव करता है, निकालता है, मेड अप अ प्रोटीन विच हार्डन्स होता है ऑन एक्सपोजर, जो संसर्ग में आता है टू एयर, एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर, और क्या बन जाता है? सिल्क फाइबर बन जाता है। इस तरह हाउ डज कैटरपिलर मेक सिल्क फाइबर? ड्यूरिंग मूवमेंट्स ऑफ हेड कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड अप अ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। नंबर 11, द सॉफ्ट सिल्क यान, जो दोरा होता है, सॉफ्ट जो होता है सिल्क यान, जो दोरा होता है, इज एज स्ट्रांग एज विच मेटल, वो किस कौन से मेटल से मजबूत होता है, इसके जैसा मजबूत होता है। द सॉफ्ट सिल्क यान इज एज स्ट्रांग एज विच मेटल, कौन सी मेटल से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसके बराबर होता है। द सॉफ्ट सिल्क यान इज एज स्ट्रांग एज विच मेटल के जैसा होता है, स्ट्रांग रहता होता है। राइट द आंसर, द सॉफ्ट सिल्क यान इज एज स्ट्रांग एज, इसके जैसा क्या है, मजबूत होता है, यह कंपेरेबल टू थ्रेड ऑफ स्टील, कौन सी बताई यहाँ पर मेटल, स्टील के जैसा। तो द सॉफ्ट सिल्क यान इज एज स्ट्रांग एज कंपेरेबल टू, किससे कंपेरेबल कर सकेंगे, थ्रेड ऑफ स्टील। 12 नंबर, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क, हमें अलग अलग उसकी जात बतानी है, उसकी जो कौन कौन सी किस्म के होते हैं सिल्क, तो मेंशन करना है द डिफरेंट, अलग अलग किस्म के जो सिल्क बताने हैं, मेंशन दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क। आंसर लिखेंगे, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क आर मलबेरी सिल्क, तसार सिल्क, एरी सिल्क, मुगा सिल्क एटसेट्रा। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क आर मलबेरी सिल्क, तसार सिल्क, एरी सिल्क, मुगा सिल्क एटसेट्रा। नाउ बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखेंगे हम। नंबर 1 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, हमें शॉर्ट में आंसर लिखना है एंड गिव अ ब्रीफ अकाउंट, बताना है इसका अबाउट वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, गिव अ ब्रीफ अकाउंट अबाउट वूल प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। आंसर, वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड कैमल, मेनली वूल ऑफ शीप इज यूज्ड मोर, ज्यादातर क्या है, जो ऊन होता है शीप का जो होता है वही यूज ज्यादा किया जाता है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप, जो नस्लें होती हैं जो जिसकी शीप की, पसेस इज ओनली फाइन अंडर हेयर, जो नस्लें अच्छी होती है उनके पास अच्छे बाल जो होते हैं। सच ब्रीड्स ऑफ शीप, कई नस्लें ऐसी होती है शीप की, आर रीड टू, उनको पाले जाते हैं, उनका पोषण किया जाता है टू ऑब्टेन उल, उनमें क्या है, उल हासिल करने के लिए उन्हें क्या है, उनका पोषण पालन पोषण किया जाता है। तो ये है उल इज ऑब्टेंड फ्रॉम शीप, गोट, या कैन कैमल, मेनली उल ऑफ शीप इज यूज्ड मोर। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, सच ब्रीड्स ऑफ शीप आर रीड टू ऑब्टेन उल, याक उल इज कॉमन इन टिबेट एंड लद्दाख, जो याक होता है उसका जो उल होता है कॉमन है, क्या है, सामान्य पाया जाता है कहाँ, इन टिबेट एंड लद्दाख में पाया जाता है। एंगोरा उल, जो एंगोरा उल है इज ऑब्टेंड फ्रॉम एंगोरा गॉट्स, एंगोरा वूल है वो किससे पाया जाता है, एंगोरा जो गोट्स होती है उनसे पाया जाता है। कहाँ पर वो पाई जाती है, फाउंड इन हिली रीजन्स,
पहाड़ी जो एरिया होता है पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं, सच एज इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में क्या होता है, द उल ऑप्टेंड फ्रॉम कश्मीरी गोट होती है, उनसे पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में होती है क्या होती है वहां पर जो होती है, सच एज जो है द उल ऑप्टेंड फ्रॉम कश्मीरी गोट, जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, इज सॉफ्ट होते हैं उनके वो एंड ऑफ गुड और अच्छे होते हैं। उल जो उनसे ऊन पाया जाता है वो सॉफ्ट और अच्छा होता है, गुड क्वालिटी, थिन सॉफ्ट अश्मीना शॉल्स आर ओवन जो बुनी जाती हैं, फ्रॉम इट जो उसे बनाई जाती बुनी जाती हैं। द फर जो उनके बाल होते हैं, हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स, जो ऊंट की बॉडी के ऊपर जो होती है उसके जो बाल होते हैं उसकी बॉडी पर, इज ऑल्सो यूज वो क्या है वो भी इस्तेमाल की जाते हैं, एज उल एस क्या है उल के ऊन होते हैं उसके तौर पर वो भी उसके भी से पाए जाते हैं ऊंट से भी। तो लियामा एंड अल्पेका ये जो है फाउंड इन कहाँ पर पाए जाते हैं, इन साउथ अमेरिका, ऑल्सो इल्ड उल। इस तरह क्या है बताया गया है कि एंगोरा वूल इज ऑब्टेंड फ्रॉम एंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर, द वूल ऑब्टेंड फ्रॉम कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट एंड ऑफ गुड क्वालिटी, द थिन जो होता है सॉफ्ट अश्मीना शॉल्स आर ओवन फ्रॉम इट, द फर हेयर ऑन द बॉडी of camels is also used as wool. Llama and alpaca found in South America also yield wool. तो यहाँ नंबर टू है, how are selection of sheep का किस तरह selection किया जाता, done to obtain good quality wool. हाउ आर सिलेक्शन ऑफ शीप्स का जो होता है डन किया जाता है टू ऑब्टेन हासिल करने के लिए गुड क्वालिटी ऊल, जो अच्छे किस्म का जो ऊल हासिल करने के लिए। हाउ आर सिलेक्शन कैसा होता है सिलेक्शन ऑफ शीप्स का अच्छी क्वालिटी का ऊन प्राप्त करने के लिए, तो हम लिखेंगे आंसर सम ब्रीड्स ऑफ शीप्स जो अच्छी नस्लें होती हैं, कुछ अच्छी नस्लों के शीप होते हैं, पसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. This process of selecting parents and for obtaining special characteristics in their offsprings such is tarah as soft under hair in sheep is called selective breeding. Now question number 3, mention the Indian breeds of sheep. हमें mention करना बताना है Indian जो होती है नस्लें, Indian के जो sheep होते हैं उनकी नस्लें क्या कैसी होती है, its quality कैसी होती है of wool and state where it is found. हमें यहाँ लिखना है उनकी quality कैसी होती है wool की और वो कहाँ पाए जाते हैं। तो मेंशन द इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, इट्स क्वालिटी ऑफ ऊल एंड स्टेट वेर इट इज फाउंड। इन देखो यहाँ हम देखेंगे इसमें टेबल में लिखा है सीरियल नंबर, यह है नेम ऑफ ब्रीड जो नस्लें बताई है शीप की एंड क्वालिटी ऑफ ऊल एंड स्टेट वेर फाउंड कहाँ पाए जाते हैं। यहाँ वन नंबर में है लोही, जो लोही है जब इसकी जाति होती है शीप की वो कहाँ पर क्वालिटी ऑफ वूल कैसा होता है, गुड क्वालिटी वूल होता है, अच्छा होता है इसका, अच्छी क्वालिटी होती है, अच्छे किस्म का वूल होता है। एंड ये कहाँ पर प्राप्त किया जाता है, कहाँ पाया जाता है, राजस्थान एंड पंजाब। नंबर वन इज लोही जो नेम ऑफ ब्रीड है उसकी नस्ल है जो शीप की है वो लोही है और क्वालिटी ऑफ वूल कैसा है तो गुड क्वालिटी वूल है और वो कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान स्टेट वेयर फाउंड, राजस्थान जो है स्टेट और पंजाब में पाया जाता है।
टू नंबर रामपुर बुशेर, रामपुर बुशेर ये भी एक जात है इसकी, जाति है। वो कैसी होती है, ब्राउन प्लेस होते हैं इनके बाल के हैं, से ब्राउन होते हैं, कत्थई जैसे बाल होते हैं। तो ये है क्वालिटी ऑफ वूल, जो उसके जो होता है वूल कैसा होता है, ब्राउन जैसा होता है। और वो कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर पाया जाता है, स्टेट्स वेयर फाउंड, तो यहाँ उत्तर प्रदेश पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में इस किस्म के जो है वो जो उल पाया जाता है, और वो है रामपुर बुशेर जो उसकी एक जाति है शीप की। नंबर थ्री है नली, कारपेट उल होता है जिससे हम कारपेट बनाते हैं, कारपेट उल कहलाता है। ये है क्वालिटी ऑफ उल, तो वो है कारपेट उल। वो कहाँ पाया जाता है, स्टेट वेयर फाउंड राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब। स्टेट्स के नेम यहाँ है राजस्थान हरियाणा पंजाब, जहाँ जो स्टेट है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। इस किस्म के जो होते हैं ब्रीड जो होती है नस्लें शीप की, और उनके ऐसे इस क्वालिटी के वूल पाए जाते हैं। अब फोन नंबर है यहाँ पर है भाकरवल, जो भाकरवल है इसका नेम है, इसकी एक जाति है फॉर उलन शॉल्स, जिसकी जो गर्म स्वेयर शॉल्स हम ओढ़ते हैं विंटर सीजन में, तो फॉर उलन शॉल्स के लिए इसके वूल अच्छा होता है। फॉर उलन शॉल्स ये कहाँ पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर पाए जाते हैं यहाँ ये भाकरवल जो है, जो ब्रीड है इसकी शीप की वो वहाँ पाई जाती है। और फॉर उलन शॉल्स के लिए इसका अच्छा होता है, क्वालिटी होती है इसकी वूल की। फाइव नंबर में है मारवाड़ी, यहाँ पर है कौरसूल, और ये पाया जाता है गुजरात में। सिक्स नंबर में है पाटनवाड़ी, पाटनवाड़ी ये है फॉर होजियरी, जैसे जो होजियरी होती है तो होजियरी के तौर पर इसका वूल जो होजियरी में यूज करते हैं, होजियरी जैसे अपने पहनते हैं अंडर जो होती है गंजी नहीं पहनते हैं, तो होजियरी। और ये पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, स्टेट है वो है गुजरात। देखिए हमने देखी ब्रीड ऑफ क्या है शीप्स की, नस्लें देखी, क्वालिटी ऑफ वूल देखा, और स्टेट लिखे हमने जहाँ पर ये सब पाए जाते हैं। इस तरह ये क्या है, तो मेंशन किया द इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप एंड इट्स क्वालिटी ऑफ वूल एंड स्टेट वेयर इट इज फाउंड। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट टाइप ऑफ फूड इज गिवन, अब कौन सा किस्म किसा किस्म खाना दिया जाता है, क्या है वो कैसा खाना दिया जाता है टू शीप रेयरिंग, उनको जो उनके पालन पोषण के लिए फॉर उल। आंसर है शीप आर हर्बीवरस, देखिए ये चारा घास का चारा खाता है, ये कार्निवरस नहीं है, चारा घास खाता है। तो शीप आर हर्बीवरस है ये, दे ईट ग्रास, वो खाली घास खाते हैं एंड लीव्स पत्ते ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स के होते हैं छोड़ जो होते हैं उनके पत्ते खाते हैं, वो क्या है हर्बीवरस है। तो इसके लिए अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप रियर्स ऑल्सो फीड, क्या खाते हैं वो लोग, देम उन्हें क्या देना चाहिए, आ मिक्सचर ऑफ पल्सिस, जो पल्सिस होती दालें होती उसका मिक्सचर देना चाहिए, कॉर्न जो होता है मकई होती है ज्वार है, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स इन विंटर एमी देना चाहिए। और विंटर में क्या है, शीप आर कैप्ट इंडोर्स, जो शीप है जो अंदर रखे जाते हैं एंड फेड ऑन लीव्स, उन्हें क्या फेड कर क्या की दी जाते खाने के लिए, पत्ते ग्रेन दाने जो होते हैं अनाज के एंड ड्राई फर्डर, जो चारा होता है सूखा वो दिया जाता है। इस तरह क्या है, व्हाट टाइप ऑफ फूड इज गिवन टू शीप, जिससे क्या है अच्छे उसके वूल वो रेयरिंग फॉर वूल। आंसर है शीप आर हर्बीवरस है ये, दे ईट ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप रियर्स ऑल्सो फीड देम अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न ज्वार ऑयल केक्स एंड मिनरल्स इन विंटर शीप आर कैप्ट इंडोर्स, क्या है उन्हें घर में रखे अंदर रखते हैं एंड फेड ऑन लीव्स ग्रेन एंड ड्राई फर्डर।